आशीर्वाद कब काम आता है? अगर आपने ऐसे किसी व्यक्ति की मदद की है जिसको बहुत आवश्यकता थी और आपने आकर के उसके लिए भगवान बनकर के सामने आ गए, किसी को वस्त्र नहीं था वस्त्र दे दिए, किसी को भोजन की आवश्यकता भोजन दे दिया, किसी को कोई शारीरिक अव्यवस्था थी और आपने उसकी उस समय मदद की जिस समय कोई सहारा नहीं था, ये सब आशीर्वाद है। आपकी सोसाइटी में कोई परेशान है उसे एट द मोमेंट पे कुछ नहीं मिल रहा, आपने वो सब चीजें उपलब्ध कराई, ये सब आशीर्वाद है। कोई व्यक्ति अपने मुख से दे ना दे लेकिन परमात्मा ने आपको आशीर्वाद के रूप में वहां पुरस्कार दे दिया है। और ये कब काम आएगा? जब आप कोई काम सोचोगे और आप मेहनत भी नहीं करे लेकिन फलीभूत हो गया, इसे कहना आशीर्वाद आड़े आ गया। और बद्दुआ श्राप कब आड़े आता है? आप किसी का दिल दुखा दे, किसी का हृदय कष्ट में दे, अपनी वाणी से, अपने शरीर की कोई कर्म से, क्रिया से किसी को वाणी का चोट पहुंचा करके, तो आप बहुत मेहनत करेंगे किसी को, किसी भी काम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये बन जाए और बनते 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 अचानक बिगड़ गया और फिर आप रो रहे हो कि मैंने तो इतनी मेहनत की, 3-3 साल लगा दिए, 2-2 साल, अब रिजल्ट मिलने ही वाला था, ये तो मेरे ही फेवर में आने वाला था, ये कैसे हो गया? बद्दुआ आड़े आ गई महाराज, उसी को कहते श्राप आड़े आना। इसलिए हृदय किसी का मत दुखाइए और वाणी का कष्ट तो किसी को मत दीजिए। आज हृदय दुखाया था, प्रभु ने आशीर्वाद के रूप में यहां नरसी को बोलता किया। ऐसा कहा जाता है कि वो संत के रूप में जो आए थे वो साक्षात श्री हरि थे। कौन थे? भगवान थे, अपने भक्त को बोलता करने के लिए वहां आए, ऐसा संत लोग कहते हैं। यहां नरसी जी अब बोलने लग गए हैं, बुद्धिमान है, दादी के मन में इच्छा है मैं जब तक जीतती हूँ तब तक मारे छोटे पोता रो ब्याह हो जावे, ब्याह रे बाद ही मरूं, अब डोकरी और घड़ी मन में होवे मैं जीतती हूँ ये कर लूं, मैं जीतती हूँ वो कर लूं, होता है ना बुजुर्गों के लोगों के मन में, मैं जब तक जीता हूँ ये कर लूं, मैं जीतती हूँ वो कर लूं। अब घर वाले भी कह रहे माता जी अब थे जाओ तो सोना री सीढ़ी चढ़ाओ। सच बात तो ये महाराज, जीवन इतना प्यारा है कि कोई जाना चाहता नहीं, चाहता है क्या? क्यों नहीं चाहता? अगर सबको मरने की इच्छा होती ना तो हॉस्पिटल नहीं होते, डॉक्टर नहीं होते, सबको जीने की ललक है। ये क्यों है? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान कैसे हैं? अमर हैं, शाश्वत हैं। वो ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं होंगे, वो पहले भी थे आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। हम उन्हीं का एक अंश हैं, इसलिए हम कोई भी क्या इस संसार में जितने जीव जंतु हैं वो कोई भी मरना नहीं चाहेंगे। एक सांप को भी पकड़ने दौड़ोगे ना उसे भी डर होता है, वो आपको फन से मारना चाहेगा, डसना चाहेगा। एक बिल्ली को भी पकड़ने जाओगे वो पंजा मारेगी आपको बचने के लिए, क्योंकि वो मरना नहीं चाहती। हर कोई चाहता है वो जिए, पर जो हमारा शरीर है ना ये मरण धर्म है, ये हमें सहन नहीं होता कि हम मरें, क्योंकि हमारी जो आत्मा है ना वो कभी मरना नहीं चाहती, वो भगवान का अंश है, क्योंकि वो शाश्वत है, अमर है। उसने ये शरीर का कपड़ा ओढ़ रखा है, ये बाहर का आवरण है और ये एक ना एक दिन नष्ट होता है। इसके कारण से मरते तो हैं पर हम मरना नहीं चाहते, क्योंकि आखिरकार हम भगवान के अंश है। भगवान को जो स्वभाव है वो हमारे अंदर है। भगवान आनंद के समुद्र हैं, कैसे हैं? सुख के सागर। और हम सब क्या चाहते हैं? दुख चाहता है या कोई? आप चाहते हो कमल भैया? आप और बाकी सब दुख चाहता है कोई? सब क्या चाहते हैं? सुख। यहां भी आप बैठे ना महाराज, ईमानदारी की बात बताओ, भगवान की कथा में सुख मिले आनंद मिले इसलिए बैठे हो? किसी भी काम का उद्देश्य आपका सुख ही है। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें क्या लाभ मिलेगा? अगर किसी से पूछा जाए, एक बिजनेसमैन से पूछा जाए, आपको क्या मिलेगा ये सब करके? शान होनी चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, धन होना चाहिए। उस धन से क्या होगा? सुख मिले।
कोई अगर स्टडी कर रहा है उससे स्टूडेंट से पूछिए आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, वहाँ क्या करोगे, उससे क्या मिलेगा तुम्हें, मेरा नाम होगा, मेरे परिवार का नाम होगा, मैं सेटल हो जाऊंगा, अच्छा उससे क्या होगा है, तो आपके जीवन में परिवर्तन ला देंगे, मुश्किलें खड़ी कर देंगे, जिससे आप जिस छोटी सी जगह में अभी चुपचाप बैठे हो उससे आगे कुछ सोच नहीं रही, ये मेरे लिए सही है, इतना ही काफी, अब क्या ही करेंगे ज्यादा, भगवान उससे बाहर निकालने चाहते हैं, क्यों, आपकी प्रारब्ध में ऐसा है, और आपको मुश्किल से ऐसी चीजों में डालेंगे जिससे आप जानबूझ के वहां जाएंगे अपने बचाव के लिए, नहीं तो कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता। यहां नरसिंह जी के जीवन में एड़ो बदलाव आयो कि शिवरात्रि रो दिन थो, आज भौजाई सुबह सुबह बोली देख नरसी काम काज कुछ करे को नहीं, दोनों बैठा अठे ने खाओ फोकटरी रोटी तोड़ो, जंगल माते जाओ लकड़ी ले आओ, अगर लकड़ी आएगी तो थाने में भोजन बना दियो, अगर नहीं आई तो भोजन नहीं मिलेगा। नरसी जी कहवे भौजाई जी मारे तो की को नहीं, मैं अठे ने काम करूं या बैठे जंगल जार काम करूं, बात तो एक ही है, थे चिंता मत करो थारी लाकड़ी आ जाए। नरसी जी जावे जंगल में लाकड़ी लेके तोड़ करके रस्सी में बांध करके रास्ते में लेकर आ रहे थे, और वहां पर एक कीर्तन हो रहा था किसी भक्त परिवार में। अब भक्त का मन होता और भक्त का स्वभाव है भगवान की कथा, भगवान का चरित्र, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान की बातें जहां भी हो रही होगी, भक्त चाहे कितनी भी कोश पर बैठा हो सुनकर आ जाएगा, ये उसका मन है, ये उसका भाव है, क्योंकि उसके भाव में प्रभु बैठे हैं। और आज नरसिंह जी ने जैसे ही देखा सोचा अभी तो सुबह ही सुबह है, 2 घंटा कीर्तन में बैठ जाओ, तो यार नरसिंह जी क्या बैठे महाराज कीर्तन में, रम गए तो समय निकलता गया, 2 के 4 घंटे 4 के 8 हो गए और रात्रि के 10 बज गए महाराज, अब कीर्तन बंद हुआ, नरसी को ठा पड़ी जोई देखिया, अब तो भौजाई लड़े महाराज, घर जाऊं तो झगड़ो होवे कई करूं, डरता लकड़ी ले जैसे ही घर के अंदर देखा कि आहट ना हो, भौजाई जी लाग रही है सो रही है, अब भौजाई कहां सोए महाराज, उसे नींद आती है क्या बिना लड़े, आहट नहीं देखी नरसी जी, अंदर घुसिया और जैसे ही चुपचाप रसोई के ऊपर पहले छापड़ो गालुड़ो होता, छप्पर लगा हुआ था उसके ऊपर चुपचाप लकड़ी रखी और चुपचाप गौशाला जहां रहते थे वहां आना ही चाहते थे, पीछे से अचानक लकड़ी की रस्सी अपने आप खुल गई और तड़ातड़ सारी लकड़ियां महाराज चौक माते गिर गई। अब इतनी तेज आवाज हुई महाराज, भौजाई ने ठा पड़ी आई गयो महाराज, तनतनाती हुई आई, थारे भरोसे बैठे ठीने सब भूखा मर जाई, कई करतो तो तू अब आयो है, ये लाकड़ी की जगह मैं भरू। अब नरसिंह जी कहवे भौजाई थारे मन में तो भर जाओ, मैं तो नाग नहीं करूं महाराज, जब एड़ो बात कही भौजाई कह मारे विरुद्ध बोले, निकल जा मारे घर से। अब नरसिंह चुपचाप सुने, भौजाई कहवे कई करतो तो तू अब आयो है, नरसिंह जी कहवे भौजाई जी बैठे कीर्तन हो रही हो थो और थे तो जानो कीर्तन में मारो प्रेम है, तो बैठे बैठ कियो और बैठन बाद माने पतो नहीं चली कब कीर्तन बढ़ता गया, सांझ होड़ आई, डोकरी कहवे जिंजा बजा, भौजाई कहवे जिंजा बजन जाओ उठे रोटियां तोड़ो उठे, थड़े जिंजा बजन कीर्तन वाला ने भोजन नहीं कराया थाने। यहां महाराज नरसी कुछ नहीं कहवे, चुपचाप गौशाला माते आई गया, आधी रात में भूख लागे क्योंकि पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, तो भौजाई रे पास आ रात्रि में कहो भौजाई जी थोड़ी रोटी मिलेला मने भूख लाग रही है, भौजाई री नींद खराब हुई, भौजाई आई दौड़ करके और नरसी रे ऊपर सुई, मटकारा भरा हुआ पानी रा, एकदम महाराज मटका का पानी भरा हुआ ऊपर से डाला, नरसी के सिर पे पड़ा और नरसी के जो ऊपर वाला जो जिससे पानी का बना हुआ होता है
वो गले में आ गए। अब थे बताओ कितनी दौरी लागे महाराज, कितना कष्ट हुआ होगा। और उन समय कहती है थाने भावे उन्नी रोटियां, थाने भावे रोटियां, मैं मारो धनी ने नहीं घालू, थाने घालू, निकल जा मारे घर से, काम काज कुछ करे को नहीं, हमारी रात में नहीं धराम करे। नरसी के मन में विचार आयो, भाई इतो अपमान होवे रे बाद भी मने कितो मोह है या संसार रो के मैं घर से निकल नहीं रहा।